नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। PMVVY में किया एक अहम बदलाव। यह सरकारी योजना से आपको मिलेगा इसका फायदा। हर महीने मिलेगी 10,000 रुपये तक की पेंशन। हाँ दोस्तों, हाल ही में सरकार ने अपनी एक अहम योजना प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में अहम बदलाव कर दिया गया है। योजना के निवेश की जो रकम थी वो सीमा सरकार ने दोगुनी कर दी गई है। इसके अलावा ही जो इसके दोगुनी करने के साथ साथ है इसकी समय अवधि भी बढ़ा दी गई है। यानी कि इस योजना के तहत आपको हर महीने 10,000 या 12,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकेगी। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना क्या है दोस्तों? यह है जो नागरिक को 10 साल तक और 8% सालाना रिटर्न की गारंटी के साथ पेंशन दी जाती है। इसमें हालांकि जो पेंशन लेने वालों के पास विकल्प भी होता है कि वह मासिक, तिमाही या छमाही और सालाने में पेंशन ले सकते हैं। योजना में 60 या उससे अधिक उम्र के नागरिक निवेश कर सकते हैं। इसमें जो समय दिया गया है उसमें कितना निवेश करना होता है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 10 वर्षों तक इसमें निवेश करना होता है। जो जीवन बीमा यह बीमा की तरह चलता है। इसमें निवेश करना ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये PMVVY स्कीम में निवेश करने की जो आखिरी तारीख दी गई है दोस्तों वो 31 मार्च 2020 है। इस स्कीम से निवेश एक बार पैसा देकर ही किया जा सकता है। इसमें कितना निवेश करना होता है, PMVVY में जो न्यूनतम निवेश है 1,44,578 रुपये और जो इसमें अधिकतम होता है वो 14,45,783 रुपये करना होता है। इसमें आपको जो मासिक वेतन होता है वो 12,000 रुपये और सालाना 1,20,000 रुपये। बैंक जिस तरीके से ब्याज दर को घटाकर कम करता है उसे देखते हुए PMVVY सीनियर सिटीजन के निवेश का अच्छा विकल्प माना गया है। हालांकि इसमें लेने वालों के पास बहुत विकल्प होते हैं कि वह मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना पेंशन की पेमेंट ले सकते हैं। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, 10,000 रुपये तक की आपको मिल सकेगी पेंशन। निवेश की जो रकम है सीमा दोगुनी करने से वरिष्ठ नागरिकों को काफ़ी फायदा मिला है। सरकार द्वारा अब निवेश करने की सीमा 15,00,000 रुपये कर दी गई है, जबकि यह पहले 7.5 लाख रुपये थी। अब नागरिकों को प्रति माह 10,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना 4 मई 2017 से 3 मई 2018 के लिए ही थी, लेकिन अब इसके तहत निवेश करने की जो राशि है, अवधि है, को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।